हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। इसके लिए हमने जीरा राइस ले लिया है 1/2 kg। 250 ग्राम मटर है और जिसमें हमने 3 अदद आलू शामिल करके इसको बॉईल कर लिया है। नमक डालकर 1 कप ऑयल लगेगा जिसमें। मटर पुलाव के लिए हमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लगेगा। साथ ही हमने 1 चम्मच जीरा लिया है, 7 से 8 स्लाइड की हुई हरी मिर्च ली है, घर का पिसा हुआ बिरयानी मसाला है, 2 अदर टमाटर लिए हैं, स्लाइस कर लेंगे उसको। नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए, फूड कलर ऑप्शनल है। हरा धनिया और पुदीना है जो हम गार्निश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही 2 अदर तेज पत्ते जाएंगे। अब हम ऑयल ऐड कर रहे हैं। अब हम जीरा और तेज पत्ता ऐड कर देंगे। जीरा हमारा क्रैकल कर रहा है, अब हरी मिर्ची ऐड करेंगे और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसमें मटर जो हमने हल्के बॉईल करके रखे थे ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें चावल के मुताबिक पानी ऐड कर देंगे। इसमें जब बॉईल आएगा तो अब हम चावल वॉश करके ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे इसको। अब इसमें बॉईल आने का वेट करते हैं। अब इसमें अच्छा से बॉईल आ गया है, इसमें चावल ऐड कर रहे हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन क्यूब ऐड कर रहे हैं, ऑप्शनल है, आपको ऐड करना है तो कीजिए। अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। लेमन ऐड कर रहे हैं इसमें, हरा धनिया ऐड किया है। बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे और दम पे लगा देंगे। पुदीना भी ऐड कर दिया है इसमें। कलर ऑप्शनल है, ऐड करना हो तो कर दीजिए और इसको हम दम लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मटर पुलाव अच्छे से दम हो चुका है, अभी आपको डिश आउट करके बताते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा मटर पुलाव उनके रेडी हो चुका है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।